इवनिंग या गुड आफ्टरनून भी आप कह सकते हो, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम हो गए हैं रेडी। तो मैंने ये कुर्ती पहनी है, ये मेरी न्यू कुर्ती है और मैं खा रही हूँ चॉकलेट जो कि कल आशु लेके आए थे वैलेंटाइंस डे पे। खूब सारी चॉकलेट्स लाए थे, मगर मेरे लिए तो एक बहाना है, सारी की सारी बच्चों ने फिनिश कर दिया। 2 पैकेट्स लेके आए थे सिल्क और 5 स्टार के, तो वही मैं खा रही हूँ। और यहाँ देखिए पीछे कपड़ों का स्टैंड भरा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे धो जाने से पहले, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं डोईवाला के लिए। तो बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं डोईवाला जा रही हूँ। और आज मैंने ना अपने गोल्ड के ये वाले झुमके पहने हैं, या बाली पहनी है बड़े वाली, और यहाँ देखो नो नो, तो बहुत दिनों बाद आज मैंने इतने बड़े से पहने, अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। आशु मुझे पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे इतने सज धज क्यों रही हो डोईवाला जाते हुए। तो मैंने इनको बोला, मुझे अच्छा लगता है यार अपने ससुराल जा रहे हैं, थोड़ा यू नो बिंदी बिंदी लगा के चूड़ी वूड़ी पहन के। और बैंगल्स मैंने ये वाली पहनी है, जस्ट एक हैंड में मैंने पहनी है, और यहाँ चॉकलेट का रैपर पकड़ा हुआ है। आशु और एमी नीचे जा चुके हैं कार के लिए, तो मैं भी अभी जस्ट निकल रही हूँ। नो नो रुको, चलो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? तो पहुंचती हूँ मैं वहां और आप लोगों से बात करती हूँ। और वो देखो पहले एमी पहले ही बैठ गया आगे, कहता है कि मम्मा आज मैं बैठ के जाऊंगा। देखो ना मैं क्या, मेरे पास क्या है, हाय हाय देखो, हाँ मिल गया, एक ये 5 स्टार चॉकलेट और एक सिल्क। दिखाओ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कल जो मुझे वैलेंटाइंस डे पे चॉकलेट्स मिली है ना, वो सारी की सारी बच्चों ने फिनिश कर दी है, तो वही एमी आप लोगों को दिखा रहा है। तो ये होता है पेरेंट्स बनने के बाद ऐसा होता है वैलेंटाइंस डे के जो हस्बैंड लेके आते हैं गिफ्ट, और गिफ्ट में अगर स्पेशली है चॉकलेट तो वो आपको नहीं मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, तो बच्चे वही इंजॉय कर रहे हैं। वो खो गई पतोनी को। तो अभी हम लोग निकले हैं जस्ट, तो चलिए पहले डोईवाला चलते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। और आज मॉर्निंग से मैं व्लॉग ना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कहीं निकलना होता है ना, तो फिर काफ़ी सारा काम हो जाता है। आज मॉर्निंग में मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि थोड़े से कपड़े हो गए थे, मैंने सोचा कि फिर आने के बाद मैं कौन वॉश करेगा, पहले ही कर लेती हूँ, तो उनको वॉश किया। और सारे का सारा काम फिनिश विनिश करके लंच करके अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए पहले डोईवाला पहुँचते हैं फिर आप लोगों से वहाँ पहुँच के बात करते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं घर से जा रही, यहाँ से जा रही हूँ डोईवाला, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स की वजह से ना मुझे 15-20 डेज हो गए हैं मैं नहीं जा पाई थी, सिर्फ आशु जा रहे थे। तो यहाँ देखिए यहाँ बैठे हैं आशु। आज एग्जाम्स खत्म हो गए तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। चलिए नोनो से भी पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है नोनो आज? बहुत फ्री लग रहा है ना। और नोनो ने ना बैग में कुछ चीजें कैरी की हैं, तो वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, घर जाके मैं नहीं दिखाऊंगी डोई वाला। तो नोनो दिखाना जरा बैग में क्या क्या रखा है। नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ नोनो, सब अपने ही तो है जिनको दिखा रहे हो, जल्दी दिखाओ बैग में क्या क्या डाला है नोनो ने आज, क्योंकि बुक्स तो नोनो ने रखी नहीं है, क्या रखा है ना वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। वो देखो ये खुल रहा है नोनो का पिटारा, पिटारा में से क्या क्या निकलेगा दिखाओ। और तुम ज्यादा मजे में मत हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स अब शुरू होने वाले हैं। ओके दिखाओ। तो नोनो लेके जा रही है अपनी डॉल, दिखाओ सबको। ओके तो नोनो डॉल से खेलने वाली है। नोनो ने पता है क्या, इस बैग में ना बुक्स वगैरह तो कोई नहीं है, क्योंकि अब मैंने नोनो को बोला है कि नोनो 2-3 डेज ना पूरा रिलैक्स हो जा, तो इसलिए नोनो ने बुक्स वगैरह कुछ नहीं रखी है बैग में, सिर्फ अपनी स्टोरी बुक्स रखी है। स्टोरी बुक रखी है क्यों? वो जो आपने रीड नहीं की अभी तक वो रख लेते ना, सिंदबाद वाली। सिंदबाद वाली तो कर ली, कर ली पूरी। तो नोनो के पास नॉवेल्स भी हैं और स्टोरी बुक्स भी हैं, तो उसको रीड करना अच्छा लगता है, मगर इस बार वो लेके नहीं आई है, सिर्फ डॉल्स लेके आई है। और इसमें क्या है,
ओके तो एक और उसने चीज़ें ली है, तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है ना। और कभी कभी जब मैं नोनो को देखती हूँ ना कि एग्जाम्स के बाद एकदम अपने टॉयज उठा लेती है, तो अपने बचपन की याद आ जाती है। हम लोग भी उस टाइम पर यू नो जब नोनो की एज ग्रुप के थे तो बहुत अच्छा। ये देखिए क्या क्या रखा हुआ, मम्मा ने मुझे दिया था, पिन ली हुई है, पता नहीं क्या क्या अटरम्स अटरम लेके बैठी है नोनो। और बहुत अच्छा लगता है जब नोनो को देखती हूँ ना तो अपने चाइल्डहुड के दिन याद आ जाते हैं, जब हम लोग भी एग्जाम्स के बाद फ्री होते थे। इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा लगता है यार जब अपने एग्जाम्स फिनिश होते हैं, बहुत ज्यादा मन में ना रिलैक्स फील होता है बहुत। और भी कुछ रखा है? तो अभी हम लोग यहाँ रुक गए हैं थोड़ा सा रास्ते में, और आशु फिल करा रहे हैं, हवा चेक करवा रहे हैं क्योंकि शायद टायर में हवा कम लग रही है। पॉट लेने थे मुझे फैंसी वाले, तो दिखाती हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो कोई पॉट अगर पसंद आता है तो ज़रूर लेते हैं। जो शॉप है ना ये रास्ते में ही पड़ती है जब हम लोग देहरादून से डोवाला जाते हैं, तो बहुत प्यारा इनके पास कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा कलरफुल पॉट्स थे और इतनी वैरायटी अवेलेबल थी। बल्कि मैं कुछ दिन पहले मिंत्रा पे और अमेज़ॉन पे भी पॉट्स देख रही थी, मगर वहाँ पर भी मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिली है जितनी इनके पास है। पहले थोड़ा कम इन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन आज जब मैं आई हूँ, बहुत दिनों बाद मुझे आना हुआ है यहाँ पर, तो मैंने देखा कि इनके पास बहुत प्यारा कलेक्शन है। और फ़िलहाल मैंने एक ही पॉट लिया है और एक इंडोर प्लांट लिया है जो कि मुझे कहीं पर प्लेस करना है घर में, तो फिलहाल एक ही पॉट की रिक्वायरमेंट थी। मगर मन तो ऐसा कर रहा था ना मेरा कि मैं पता नहीं कितने सारे पॉट्स ले लूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे प्लांट्स का, इन सब चीज़ों का, घर की डेकोरेशन की चीज़ों का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो खुद को रोकना पड़ता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, खुद का घर हो तो बंदा कितनी भी शॉपिंग कर सकता है, क्योंकि सामान को ना बार बार कहीं ले जाने लाने का टेंशन नहीं रहता है। तो गाइस बहुत प्यारा था कलेक्शन, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाला पॉट लिया है। कहाँ है ला मुझे तो मम्मी, नमस्ते आपको भी, नमस्ते। Thank you.
और जस्ट अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय पी, बहुत अच्छी बनी थी, मैंने ही बनाई थी। और एमी जी ना आते स्टार्ट हो गए, ये देखो इधर साइकिल लेके जा रहा अपनी, कितनी हैवी है बच्चा आपकी साइकिल, थक गई मम्मा तो आप चला पाओगे? मुझे नहीं चलानी, इसकी हाइट कम है आपकी साइकिल की। मैं तो चलानी। तो अभी 4 बज गए शाम के, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने चाय पी है, थोड़ी देर रिलैक्स हुए, अभी मैं थोड़ा सा घूमूंगी, एमी भी इंजॉय कर रहा है, नोनो भी इंजॉय कर रही है, थोड़ी देर बाद खेत में भी जाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे खेत में घूमना बहुत पसंद है और आज तो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो अभी थोड़ी देर गेड़ी मारने चलेंगे, आप लोगों को भी लेके चलूंगी क्योंकि मेरे साथ साथ ना आप लोग भी मिस कर रहे होगे ना ग्रीनरी को। और यहाँ देखो मम्मी है, तो मम्मी से आज मुलाकात हुई 10-15 दिन बाद, क्योंकि काफी दिन बाद में आई, मम्मी यहीं रुक गए थे और सब लोग मिस कर रहे थे, मम्मी को पूछ रहे थे आंटी कहाँ है, तो यहाँ आए आंटी। एक्चुअली मम्मी यहीं रुक गए थे क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा काम वगैरह था खेतों का, फिर बच्चों के एग्जाम्स थे, मैं उसमें बिजी थी, तो इसलिए मम्मी यहीं पे थे। इस बार मम्मी संडे को जाएंगे हमारे साथ, तो देखती हूँ अभी क्या करूंगी। अभी थोड़ी देर भाभी और के पास बैठूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी खेत घूमने के लिए, आप लोग को ही घुमाऊंगी मैं। नहीं अब तो फायदा ही नहीं, अब तो नेक्स्ट ईयर लेंगे। अरे तो 12 लाख लेना, कोई खराब होगा सामान। चलो देख लेना। और आप लोग को मैं जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाला पॉट लिया, वैसे मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिया नहीं वहाँ पे। तो ये है मेरा क्यूट सा पॉट जो कि बहुत प्यारी शेप में है। तो एक्चुअली मुझे ना ये ब्राउन वाला पसंद था, एक मिनट, और प्लांट मैंने इसमें लगाने के लिए ये वाला लिया है। और मुझे ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इस प्लांट को नेम आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को मालूम होगा तो। तो ये वाला मैंने इसके लिए प्लांट लिया है और उनसे मैंने पूछा था कि ये इंडोर है तो अगर आप इसको बाहर रखेंगे सनलाइट में तो ये ऐसा कलर ले लेगा जैसा अभी आपको दिख रहा है, रेडिश कलर, और अगर मैं इसको इंडोर लगाऊंगी तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा। और पॉट मैंने लिया है ये वाला। नोनो ठंडा हो रहा है बच्चा, अंदर चलो, अब चलो, बहुत ठंडा हो रहा है, बाहर मत खेलो नोने, बाहर देखो मैंने रोड रोस्टर। और ये क्या बनाया है, रोड? हाँ, नहीं ये रोड रोस्टर करो। वाओ, अच्छा चलो एमी, अब बहुत ठंडा हो रहा है बच्चा, कोई ये था ना, ठीक से हो रहा है, दिखा रहा हूँ, ठीक है अब अंदर चलो। हाँ, दिखाने दो मुझे। दिखाओ। और टाइम पता है कितना हो रहा है, अंदर चलो, ठंडा हो रहा है बहुत बाद, अभी गर्मियां थोड़ी ना आएगी। हाँ ठीक है, सबने देख लिया, चलो। गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और मेरा डिनर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बनके, मतलब रेडी हो गया बनके, मैं कह रही हूँ कंप्लीट हो गया बनके। आशु यहाँ बैठे हुए हैं, हम एमी के लिए थोड़ा सा ना होमवर्क तैयार कर रहे हैं मॉर्निंग के लिए क्योंकि इनका थोड़ा सा काम है, तो मैं इसको टेस्ट ले लूंगी कल क्योंकि अब अमृत के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी बच्चे मम्मी सब बैठ के खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अब मैं और आशु भी खाएंगे तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने डिनर के लिए क्या बनाया है। तो गाइज ये है हमारा आज का यमी यमी डिनर। तो डिनर में आज मैंने बनाई है मिक्स सब्जी, यानी कि आलू गोभी गाजर मटर की सब्जी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और साथ में यहाँ चपाती बनाई है। मम्मी और बच्चे बाहर बैठ के डिनर कर रहे हैं, अब मैं और आशु भी कर लेंगे। और वेरी वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को अपने साथ खेत में नहीं ले जा पाई घुमाने के लिए क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है यहाँ की ग्रीनरी, मगर कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी अपने साथ और आप लोग के साथ यहाँ का सारा
सारा का सारा प्यारा सा व्यू ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी डोईवाला की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मॉर्निंग से काम में भी लगी हुई थी, इसलिए आप लोगों से एंड करते हुए बात नहीं कर पाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।